वो भी रियलिस्टिक एंड एकदम हाई क्वालिटी में। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और क्योंकि जो वीडियो है गाइस, मतलब कि मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके ढूंढा है मतलब ये ट्रिक, तो गाइस आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चले गए इस वीडियो को जो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो सबसे पहले तो गाइस आप लोग को जो है यहाँ पे 3D LUT ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है गाइस, ठीक है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो गाइस आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, आप इसको पहले हम ओपन करेंगे यहाँ पे। एंड ओपन कर लेने के बाद जो है आप लोग कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे गाइस आपको कैमरा एंड यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो वो गैलरी वाले ऑप्शन में आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से जाके। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो आप लोग यहाँ पे अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी हम फोटो का मैरिट करने वाले हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, जो फोटोज को हम सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका गाइस यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन मिल जाएगा, बेसिक, लट एंड रोटेट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा। तो अभी पहले गाइस देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कलर एडजस्टमेंट के होंगे, मतलब लाइट एडजस्टमेंट के। तो सबसे पहले गाइस हम जो इसका पहले कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रास्ट होगा अगर कम है तो हम उसको बढ़ा लेंगे, ज़्यादा है तो कम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पे वाइट बैलेंस मिल जाएगा। तो फोटो में अगर वाइट बैलेंस करना है तो आप इससे कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ब्लू टोन चाहिए तो मैं माइनस में रख लूँगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका जो है ब्लैक जो है इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि फोटो में जो शेडो वगैरह थोड़ी ज़्यादा है। एंड उसके बाद फोटो को जो हम थोड़ी सी शार्प कर लेंगे, ठीक है। अभी गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये चीज़ तो हम लास्ट में भी कर सकते थे, बट गाइस मैं आपको जो है सब कुछ यहाँ से स्टार्टिंग से क्लियर करके चलूँगा। तो विग्नेट को हम थोड़ा सा डाल लेंगे, फोटो में हमें विग्नेट भी चाहिए क्योंकि, तो हम विग्नेट को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेंगे। एंड इसके बाद आप लोगों को करना क्या गाइस, आप लोग सिंपली लट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको 25 वाले टॉप 25 में आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे गाइस आपके सामने पे बहुत सारे फिल्टर आ जाएंगे, बट गाइस आपको कौन सा वाला यूज़ करना वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को करना क्या गाइस, यहाँ पे गाइस आपको तीन मिलेंगे कॉफी टोन वाले, जो कि गाइस यहाँ पे एक है ये वाला, ठीक है, एक ये वाला है एंड एक है ये वाला जो मैंने गाइस थंबनेल में यूज़ किया, आप लोगों ने देखा होगा। तो हम जो ये वाला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे गाइस आप लोग जिसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी यहाँ पे देखिए गाइस हमारा जो एक क्लिक में यहाँ पे कॉफी ब्राउन टोन अप्लाई हो चुका है। तो अभी गाइस देखिए यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इसका और भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हल्की फुल्की जो रहती है, जैसे गाइस नॉइस है हल्की सी नॉइस बढ़ा लेंगे, ताकि फोटो जो मैं जब हम अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे क्वालिटी कम रहेगी इसकी, मतलब नहीं, मतलब माइनस नहीं जाएगी, ठीक है। और जितनी भी जाएगी वो एडजस्ट कर लेगा, ताकि हम टेक्सचर बढ़ा देंगे थोड़ा सा। एंड उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे जो है सैचुरेशन थोड़ा सा हम जो है बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज़ कर लेंगे, ताकि फोटो जो है थोड़ी सी ब्राइट लगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गाइस देखिए हम फोटो को हम सेव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पहले जो आपको क्वालिटी वगैरह दिखा देता हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ऐप जो है बिल्कुल बेकार नहीं है, बहुत बढ़िया ऐप है गाइस। देखिए यहाँ पे क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइस आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर भी चेक करा दूंगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए बिफोर और ये है आफ्टर। तो गाइस देखिए आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले गए मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।